Okay, am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to you, बच्चे लोग? Yes, no, बोलने में कितना तकलीफ है? अरे हर्ष माइम कर, you just joined, you are not replying to me when I called you. Am I audible or no? Sheldon, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? Sheldon, अरे डॉन, तन्वी, क्या मेरी आवाज आ रही है? तन्वी राजपूत, अरे कोई बोलो ना यार, यस नो बोलने में क्या तकलीफ है तुम लोग को? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन सेइंग यस नो? कुछ भी है बोलो ना, नहीं आ रही तो आई विल चेंज माई सेल्फ. Okay, so we were doing critical. Tanvi, read karo number 3 maine kiya tha critical ka. Now we'll do number 5 read karo, Tanvi. A slab of ice at 273 Kelvin and at 1 atmospheric pressure melts in this ice water system. Dekho, melt kab hoga? What is the condition for it to melt? Do you agree? There will be इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी धीरे 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 दूर जाएगी एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन, मॉलिक्यूल विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. दैट इज द होल रीजन द आइस मेल्ट्स एंड देयरफॉर आंसर विल बी इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज. पांच का सी इज द आंसर. ओके, बिकॉज ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस मॉलिक्यूल्स टेंड टू गो अवे फ्रॉम इच अदर. फ्रॉम सॉलिड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल एकदम नजदीक रहते हैं. इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, हीट जाके उनको बोल के दूर दूर हो जाओ, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल गो अवे एंड इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. ओके, नंबर 5 के बाद विल डू नंबर 11. रीड करो नंबर 11. इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज चेंज्ड इन सच अ मैनर दैट गैस रिलीजेस 30 जूल ऑफ हीट एंड 10 जूल of work was done on the gas. If the initial internal energy of the gas was 30 joules, then the final internal energy will be work done on gas 10 joule. If the initial internal energy U1 equal to 30 joule, U2 will be how much? मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ. आई एम गोइंग टू आस्क यू. प्रॉब्लम इज लाइक दिस, गैस था वो 30 जूल की एनर्जी रिलीज कर देता है, मतलब छोड़ देता है, भगा देता है 30 जूल को. साथ में वर्क डन ऑन द गैस, मतलब आके वर्क ऑन द गैस है ना, उसको दबाया जाता है, कितना होता है 10 जूल का ऑन द गैस. अब बाय गैस होता तो एक्सपांड होती, ऑन गैस हो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और उसकी पहले से एनर्जी 30 जूल थी, तो उसकी नई फाइनल एनर्जी क्या होगी? I would like to ask to Namrata. Namrata, problem bata. Namrata, problem bata. Namrata, unmute. क्या ये लोग हैं कि नहीं कि खाली शकल दिखा के गायब? Even she is not listening. अब बोलेगा mic not working. रुतुजा सालुंके, problem bata. रुतुजा प्रॉब्लम बता. बतुल प्रॉब्लम बता. बतुल उदयपुर वाला. यस बोल. देयर इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इन व्हिच अ गैस इज देयर व्हिच रिलीजेस 30 जूल्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन ऑन द गैस इज ऑफ 10 जूल्स. Now initially the internal energy of the system was 30 joules and we have to find the final energy. क्यों बोल नहीं रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड. पीपल आर
सिंपली दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम. अच्छा रिलीजियस एनर्जी है क्या? क्यू गिव्स आउट. टेल मी व्हेन इट गिव्स आउट एनर्जी, क्यू विल बी पॉजिटिव 30 और माइनस 30? आपने दे दिया किसी को 30 जूल, तो प्लस और माइनस? माइनस. इट विल बी माइनस. दैट्स वेरी गुड. देन वर्क डन ऑन द गैस. देखो ऑन द गैस यानी कंप्रेस कर रहे हैं, इट विल बी प्लस और माइनस. यहाँ पे खाली ये देखना है, क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन. वर्क डन ऑन द गैस, वर्क गैस के ऊपर किया है, इसको दबाया गया है गैस को और इधर से इधर लाए, तो दैट इज कॉल्ड इज वर्क डन ऑन द गैस. वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ये इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन? वर्क वॉल्यूम डिक्रीजिंग. वॉल्यूम डिक्रीजिंग. तो वर्क डन प्लस और माइनस? माइनस. Then current, मुझे बताओ what is the equation to first law of thermodynamics? Q equal to what? By first law of thermodynamics. Janita, equation to first law of thermodynamics. Chitija, तुम late आई हो. बता सकती हो equation to first law of thermodynamics? Q equal to? Pooja, you have done wonderful. Yesterday तुमने बहुत मेहनत की. मुझे first law of thermodynamics बोल, Pooja. तुम लोग ऐसा बोलते हो सर चुपचाप लेक्चर लो और जाओ, आप किसी का नाम नहीं लेने का और पूछने का नहीं. यू जस्ट टेक योर लेक्चर, डोंट डिस्टर्ब अस. वी आर इन आवर गुड मूड. वी आर इन आवर गुड मूड. डोंट स्पॉइल आवर मूड एंड डोंट कीप ऑन टेकिंग आवर नेम. कभी नम्रता, कभी ये हम लोग कुछ बोलने वाले नहीं है. व्हाट एवर यू डू, वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक. ऐसा हो गया अभी. But why people do not want to speak? Sir, no idea. I'm really surprised. तुम लोग ऐसे नहीं थे पहले. W कितना है? W is minus 10. Therefore, what will be delta U? Will be minus 30 plus 10. That is equal to minus 20. But they have asked U1, U2 दिया है. तो delta U is always final energy minus initial energy. Therefore, U2 minus just 30. Therefore, U2 equal to 10 joules. And therefore, 10 joules, what is the answer? 10 joules, C is the answer. एक बार वापस बता देता हूँ. Gas releases 30 joules. The Q is minus 30. Work done on the gas. By the gas, it is plus 10. By the gas, it is the volume increased. On the gas, the volume is minus 10 joules. Initial U1 is given. U2 they are asking. So Q equal to delta U plus W. Q is minus 30. Delta U as it is. W is minus 10. Why minus? I told you already. So delta U will be minus 30 plus 10. That is delta U will be minus 20. But change in your final energy minus initial energy equal to minus 20. U1 is 30. So 30 likha tha. U2 minus 30 equal to minus U2 is 10. Therefore, C is the answer. Is this clear to everyone? Afan? Afan, is this clear? Afan Armani? Attending IT lecture. Okay, Afan, IT lecture. बस ये दो चार लोग ही बोलते हैं. Sheldon ने भी बंद कर दिया. Sheldon, yeah, go down. Why you are not speaking nowadays? Sir, I was having a mic issue. Mic issue. अभी तो नहीं है ना? No, sir. Now, after which day you will become perfect? Your papa से मैं पूछना भूल गया. कभी खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये जो कॉलेज का ये सिलसिला है वो? So that you will give full energy to us and do at least this CET properly. Tell me date on which you will start so that I'll remain behind your life. Sheldon? Sir, I don't know when the college exams end. Like college exam ka tum logon ne date diya tha na mere ko ki us din hamara terminal hai, ye hai, wo hai. Kabhi yeah, hai? Sir, it starts on 26th. So 26th ki taiyari abhi se tum neglect kar rahe ho ye study of Khandelwal. Khandelwal nahi, tumhara khud ka life ka hai. Not for me you are doing.
26th October से स्टार्ट होने वाला है. यू आर जस्ट स्टॉपिंग सर. इट्स 8 चैप्टर. हां 8 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट. अरे क्या 8 चैप्टर यार. सी आई रियली आई डू नॉट लाइक यू. ओके नंबर 12 रीड करो तन्वी. When an ideal gas gamma is equals to 5/3 is heated under constant pressure, then what percentage of given heat energy will be utilized in doing external work? अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये. बहुत इंटरेस्टिंग है. कभी भी ध्यान रखना ये जो फ्यूल हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर का एक ही फॉर्मूला है एम सी पी डेल्टा टी. और दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर. व्हाट अबाउट कांस्टेंट वॉल्यूम? व्हाटएवर मे बी द एक्सपेंशन आइसोथर्मल एडियाबेटिक इंक्रीज इन वॉल्यूम इज सेम एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. ये कभी बोलना इसका फॉर्मूला कौन बोलेगा? Whenever heat is supplied at constant volume, entire supplied heat supplied is used to increase the internal energy. Iska formula kaun bolega? Heat supplied at constant pressure this. Are bolo na. V ke time pe delta T. I hope that's clear. And tell me gamma is what upon what gamma? Cp by Cv. मोनो एटॉमिक गैस कोई मुझे बताएगा? मोनो मोनो डाया मोस्टली मोनो और डाया के ऊपर ही रहेगा. टेल मी व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 3. एंड डाया का? 5. मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दिया था ये सीवी एंड ओनली सीपी 3/2 R. दिस विल बी 5/2 R. दिस विल बी 5/2 R. दिस विल बी 7/2 R. ये बताया था मैंने ये पहले टेबल लर्न कराया था ड्यूरिंग. मैं सबके घर घर में फोन करके मैं पूछता था बता पूरे क्लास ने टेबल लर्न किया था. अब आ जाओ यहाँ पे सुनो प्रॉब्लम बताता हूँ. मुझे बताओ ये सपोज 100 है ये 30 और ये 70 तो हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड इन वर्क डन? कितना परसेंटेज एनर्जी यूज किया अगर ये सिचुएशन है तो? कितना एनर्जी यूज किया वर्क डन करने में? कितना परसेंटेज? अगर 100 में से 70 इज यूज्ड इन वर्क 30 यूज्ड इन इंटरनल एनर्जी तो व्हाट हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क? ए ओरल आंसर है बोलना यार. 70% क्या किया आपने 70% लाने के लिए? यू हैव डिवाइडेड डब्ल्यू बाय क्यू इनटू 100. तो टेल मी कैन आई से परसेंटेज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू इनटू 100? वर्क डन का फॉर्मूला इज पी डेल्टा वी. क्यू का फॉर्मूला एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो आई कैन से एन सी पी डेल्टा टी. पी इंटू डेल्टा वी कैन से एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी. पी वी इक्वल टू एन आर टी तो पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी एन सी पी डेल्टा टी. देर आर सो मेनी मेथड ऑफ सॉल्विंग. आई एम सॉल्विंग बाय दिस मेथड आर बाय सी पी. वॉट इज सी पी फॉर मोनो एटोमिक गैस? 5/2 R. R cancel, that is 2/5, yani ke 0.4, yani ke 40%. 40%. So yahan pe, this is what this situation. It is so simple. I hope you 40% in answer. Let me just check. Yes, 40% is the answer. So, देखो एक बार फिर से, how much energy is used in work? So, W upon Q into 100. Into 100 कर देता हूँ यहाँ पे.
100 into 100 यानी 200 अपॉन 5 यानी 40 तो कॉपी कर रहा इसको ट्वेल्व के बाद 14 मिटा दो इसको रूलर मारना हो तो बोलना कि एक बार रूलर मार दो सर कभी भी करण करण यस सर यू आर अंडरस्टैंडिंग यस सर क्षितिजा क्षितिजा आर यू देयर क्षितिजा एक बार गो थ्रू करो मेरे को प्लीज कीप ऑन आस्किंग मी दिन में दो तीन फोन करूंगी तो भी चलेगा प्लीज आस्क व्हाट्सएप पे मेरे को क्वेश्चन पूछो आई विल love to answer all the question of yours. Okay, bita raha hu isko. Okay, iske baad we'll do number 14. Read karo Tanvi. अरे एक मिनट तुम्हारी आवाज है ना वॉल्यूम ऑफ 160 167 1 सेंटीमीटर क्यूब The atmospheric pressure is 1.018. Yeah, sir, I have some network issues, I guess. I think your network is not proper, Tanvi. आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है एकदम ब्रेक 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 The energy spent in the process of overcoming internal forces. Energy spent in overcoming internal forces. Remember one thing. Q equal to delta U plus W. Delta U is the energy which is spent in overcoming internal forces. Q तो दे दिया हमको 540 calorie. देखो प्रॉब्लम बता दो आपको एक बार ना एक सेंटीमीटर क्यूब पानी था खाली जरा सा पानी 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के अंदर पानी था और 100 सेंटीमीटर क्यूब पे इट वाज कन्वर्टिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर क्यूब इनटू वेपर ऑफ 1671 सेंटीमीटर क्यूब वो वेपर तो जगह ज्यादा लेता है ना एक सेंटीमीटर बाय एक सेंटीमीटर वाटर स्टेट में खाली इतने से में था वो 1671 सेंटीमीटर क्यूब में ये पूरा फैल जाता है प्रेशर इतना था ये कन्वर्ट करने के लिए 4.19 जूल यानी 1 कैलोरी 4.19 जूल पर कैलोरी इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट लोग बोलते हैं व्हाट विल बी द एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग द इंटरनल फोर्सेस इंटरनल तो ये तो वर्क डन एक्सपेंडेंस एक्सपेंशन में जाता है और ये जो एनर्जी जो जाती है फ्रॉम कन्वर्टिंग व्हाट टू व्हाट सॉलिड टू लिक्विड तो वो कितनी वो दे आर आस्किंग तो बेसिकली क्यों हमको दिया है हमको सिर्फ डब्ल्यू निकलना है तो क्यू माइनस डब्ल्यू विल गिव मी आंसर ऑफ डेल्टा यू So what will be delta U? Delta will be Q minus W, Q minus P dV. Remember Q is in calorie, yeah? ध्यान रखना 540. अगर तीन dV करेंगे तो pressure is newton per meter square, volume is meter cube. That means answer will come in newton meter. Newton meter is nothing but joule. I do not want joule. You cannot subtract calorie में से joule subtract नहीं कर सकते हो. इसको हम लोग divide by ये कर देंगे J के लिए. Suppose answer है 4.19 joule. Actually divide by ये करेंगे तो 1 kelvin. वैसे मैं बता रहा हूँ. तो ये ध्यान में रखना. Minus pressure कितना है? 10^5. 1.013 को मैं ऐसे भगा देता हूँ. dV यानी 1671 minus 1. That means 1670 centimeter cube. Centimeter cube नहीं चलेगा. Meter cube चाहिए. Anybody can tell me what should I multiply by? सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं हाँ
सेजल सेजल तुम बताओ, सेजल अदिति वैष्णवी, 10^-6 दैट्स लवली, वेरी गुड वेरी गुड अदिति, एंड जे इज 4.19, सो या 540 ये दिख रहा है, हाँ अभी तक दिख रहा है इतना माइनस, ये देखो ये 10^5, 10^-6, 10^-1 इनटू 1, दिस बिकम 167, दिस बिकम 4.19, दिस इज 540, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या करता हूँ, इसको 160 लेता हूँ, इसको कम करता हूँ, इसको भी कम करता हूँ, तो 160/4, क्योंकि क्या थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मिलेगा और क्या, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 540-40, यानी कि 500 कैलोरी के आसपास जो आंसर है, दैट्स द आंसर, जरा देखो तो क्या आंसर दिए हैं, चार आंसर दिए, 540, 500, यस, देयरफॉर सी इज द आंसर, देखो इधर देखो एक बार फिर से, 540 कैलोरी हीट दी हमने टू कन्वर्ट 1 cm³ ऑफ वाटर इनटू 1671 cm ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टीम, ऑलराइट, प्रेशर इतना था एट दिस प्रेशर, जे की वैल्यू इतनी, तो बोलते हैं हाउ मच एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग द इंटरनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्यों दिया डेल्टा यू पूछा, डब्ल्यू हमको इनडायरेक्टली पी डीवी से कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा यू विल बी क्यू माइनस डब्ल्यू, but q minus w will be pdv, but divide by j q kya, kyunki ye calorie mein tha aur pdv ka answer joule mein aata hai, to joule divide by joule per calorie, joule joule get cancel, answer will come in calorie, to q ka to 540 hai, kyun pressure maine 1.013 ka uda diya, 10^5 likha, 1670 dekho, v2-v1 is 1670 into 10^-6/4.19, this into this is 10^-1 into 167 4.19, इसको कम किया, इसको भी कम किया, 160 और 4 किया, इसके 7 उड़ाया, इसका 0.19 उड़ाया, तो 40 तो ये आ गया नियर बाय आंसर, एंड इनफैक्ट इट वर्क्स आउट टू बी द बेस्ट आंसर, सेम आंसर दिया है वहां पे, आई एम श्योर दैट्स क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन, बोलो 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 बच्चों, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, नो सर भी बोलो चलेगा मेरे को, नो सर नॉट अंडरस्टूड, लेकिन बोलो प्लीज बोलो, नो सर, हाँ नॉट अंडरस्टूड बेटा, क्या केतन नहीं, करण कहाँ पे डाउट है बेटा, बोल, अंडरस्टूड, श्योर, यस सर, अरे मेरे को बुरा नहीं लगता है ऐसा, लेकिन कोई बोलता नहीं ना वो मेरे को बुरा लगता है, सब चुपचाप बैठे रहते हैं, बोलते मैं क्यों बोलूं, खाली फोकट रॉन्ग होएगा तो मेरे को बोलेंगे सर, इसलिए बोलने का ही नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को बोल रहे रॉन्ग आंसर दोगे तो भी चलेगा, आई वुड लव टू रिसीव आंसर, बस दैट्स इट, ओके इसके बाद, लेकिन तुम लोग सता रहे हो मेरे को, कभी कभी लगता है यू लव टू यू नो परेशान करने में, मजा आता है तुम मेरे को, सोले नंबर सोले, बोल जरा तन्वी बच्ची, तन्वी, अच्छा तन्वी की आवाज ब्रेक हो रही थी, शेल्डन तुम पढ़ना चालू करो, शेल्डन योर वॉइस इज लाउड इनफ, A thermodynamic system is taken through the cycle PQRSP process. The network done by the system is. देखो, network done सीधा is nothing but area of PV diagram. Network done is nothing but area of PV diagram. कितना easy है. यहाँ पे graph देख के पहले तो हालत खराब हो जाती है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. Area निकालो. And that's the answer. मैंने clockwise और anti-clockwise के concept बताया था. ये 100 cc 300 cc, दिस इज 100 kPa एंड दिस इज 200 kPa, अच्छा ये मुझे कोई बताएगा वर्क डन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव,
किसी को याद आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। एंड क्लॉकवाइज में? पॉजिटिव। डू यू वांट टू नो व्हाई क्लॉकवाइज में पॉजिटिव? इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मुझे बताओ वर्ड पॉजिटिव कब होता है? व्हेन v2 इज मोर देन v1। एंड वर्ड नेगेटिव कब होता है? व्हेन v2 इज लेस देन v1। यहां पे देखो ये वाला PQ वाला एरिया कितना है? इतना है। बट SR वाला एरिया कितना है? इतना बड़ा सारा है। बट SR के टाइम पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? SR के टाइम पे, RS के टाइम पे, RS के टाइम पे वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। और उसका एरिया देखो बड़ा है, उसका एरिया बड़ा है। इतना बड़ा एरिया में वॉल्यूम डिक्रीज होती है और इतने बड़े इतने एरिया में वॉल्यूम इंक्रीज होती है। P से Q में वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तो बड़ा एरिया नेगेटिव, छोटा एरिया पॉजिटिव, मतलब आंसर विल बी नेगेटिव। तो व्हाट इज एरिया? वर्क डन इक्वल टू एरिया, यानी कि PQ इनटू SP। PQ कितना? 300 माइनस 100 200। और ये कितना है? 200 माइनस 100 100। दैट्स द आंसर। राइट है कि रॉन्ग है? जरा सोच के बोलना, और क्यों रॉन्ग है वो भी बताना आप मेरे को। ये राइट है कि रॉन्ग है मुझे बताना। इसमें तो बड़ा गड़बड़ आंसर दिया है, सिर्फ माइनस 20 दिया है ये लोग ने। 20 क्या गलत है? कौन मुझे बताएगा? ये मैं देखो, ये 200 है और ये 100 है, 200 इंटू 100। देखिए आंसर वो लोग ने सिर्फ 20 दिया है। बतुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और भी गड़बड़ है, और क्या गड़बड़ है बताओ? किलो पास्कल। अरे पास्कल चाहिए, रिमेम्बर 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको पास्कल में को किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करना है। 1 किलो पास्कल यानी 10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये पहले तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे दिस विल बी 200 सीसी एंड दिस विल बी 100 केपीए। तो अभी कन्वर्ट करना होगा इसको मीटर क्यूब में और इसको पास्कल में। तो दैट इज 200 सीसी। यानी क्या? एनीबॉडी नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी? सीसी मींस क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट इज राइट। तो 200 इनटू 10^-6 इनटू 100 इनटू 10^3 ये हो गया। यहाँ पे मैं यूनिट लिख देता हूँ, दिस इज क्यूबिक मीटर एंड दिस इज न्यूटन पर मीटर। पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड दैट वर्क्स आउट टू, this will become 10^-3, that means 200 into 100 into 10^-3, 3 zero come kar do, 1 2 3 zero ho gaya 20 joules, anti clockwise therefore positive, so w equal to 20 joule is the answer। samajh mein nahi aaye to mujhe bolo, mujhe poocho, मुझे परेशान करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वी आर डूइंग इजी इजी एमसीक्यू ना, आईआईटी वाले तो करते नहीं, हम लोग बहुत इजी वाले करते हैं। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, टक टुक टुक। तुम लोग को चाहिए डिफिकल्ट वाले। ओके चेंज, आगे बढ़ूं कि एक बार फिर रिपीट कर लूं? एक बार फिर रिपीट करूं कि समझ में आ गया प्यारे बच्चों? Understood, sir. Okay, इसके बाद 16 के बाद 20, नंबर 20, 20 पढ़ो। सेल्डन, सेल्डन, सेल्डन। Yeah, when the pressure on the gas is increased to 5 times that of initial value, the volume becomes 1/3 that of initial. Percentage difference in the temperature will be. Okay, percentage difference in temperature. मैं problem बता रहा हूँ। एक बार gas का pressure 5 गुना कर दिया, 5 times, और volume उसका 1/3 कर दिया। वॉल्यूम कितना कर दिया? 1/3। प्रेशर 5 गुना, वॉल्यूम 1/3 गुना। वो लोग बोलते हैं व्हाट विल बी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज डिफरेंस इन टेम्परेचर? सपोज T2 बिकम्स 1.5 T1, तो इट विल इंक्रीज बाय 50%। ऐसा
Suppose T2 becomes 1.2% or increased by 20%. Suppose T2 comes 1.05 given. So kya hoga? Increase by kitna? ऐसा मैं पहले से बता रहा हूँ रफ रफ आंसर इंक्रीज बाय कितना 15.05% इंक्रीज अच्छा एक आंसर का टी टू इज सपोज 0.91 तो क्या होगा ये मैं मैथ भी क्लियर करता हूँ तुम लोग वैसे आईआईटी स्टूडेंट हो ये सब क्या बताने की जरूरत है टी टू इक्वल टू 0.91 यानी क्या बोलो 90%. That's very bad answer. Decrease by 10%. अरे तुम्हारे पास 100 रुपया था 90 हो गया मतलब क्या decrease by 10%. नहीं समझ में आया बोलो अरे पहले 100 किलो तुम्हारा वेट था अभी 0.9 × 100 90 हो गया तो चलो इधर आते हैं अभी You know, P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 upon T2. P1. P2 becomes 5 times. So 5 times P1. V2 becomes 1/3 of V1. So this will be 1/3. V1/3. And T2 is T2. T1 is T1. So P1, V1 gets cancelled. So T2 will be equal to 5/3 T1. That is 1.6060 T1. So that means temperature. क्या लिखूं? अब ये बताओ खाली तुम लोग. Temperature. T2. जो 1.2 T1 है तो इंक्रीज बाय 20% 1.05 ये तो ये कितना होगा टेम्परेचर इंक्रीज बाय 67% 66.66% इसके आसपास जो आंसर है वो लिख डालो ओ 67% लिखा है दैट्स ओके नो प्रॉब्लम टू बी देयरफॉर बाबा इज द आंसर बाबा इज द आंसर एक बार फिर से बताऊं ये रूलर मार के एक बार रूलर मारू इसको बोलो प्यारे बच्चों बोले भले हाँ क्लियर एकदम यस और नो सर रूलर मार दो ओके देखो बोलो बोलते प्रेशर 5 गुना हो गया तो P2 मैंने 5 times P1 लिख दिया वॉल्यूम 1/3 हो गया तो V2 के बदले 1/3 ऑफ P1 यानी V1/3 लिखा T1 T2 P1 get cancelled. Cross multiply. So T2 is 5/3 times T1. 5/3 is 1.66666. Therefore, increase by 66. But or last ruler, Mardu. Last ruler so that it becomes more clear. Current. Sir, I got locked out. Explain it again, please. Yeah? What? Explain it again. I got locked out. Who are you? Himangi. Himangi. देखो Himangi इस problem में क्या दिया है pressure 5 गुना हो गया 5 times और volume 1/3 हो गया तो लोग बोलते हैं what is percentage difference in temperature तो P1 upon T1 equal to P2 V2 upon T2 तो P2 5 times हो गया तो P2 is 5 V1 V2 1/3 of V1 तो V1/3 T1 and T2 as it is P1 V1 gets cancelled तो T2 का answer आया 5/3 T1 5/3 is 1.66666. So increase by 66.66%. एक मिनट समझ में आया? Yes, sir. Himangi. Okay. Now after this, this was which one? 20. We go to 23. 23. हाँ, 23 पढ़ो. For an isothermal expansion of a perfect gas, the value of delta P upon T is. देखो एक बहुत बड़ा आइडिया बताता हूँ बहुत बड़ा आइडिया विदाउट डूइंग एनीथिंग यू कैन टू डायरेक्टली राइट द आंसर एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडियाबेटिक उसमें क्या बोलते हैं फॉर्मूले में क्या है इधर
PV equal to constant और इधर क्या है एडियाबेटिक में? एडियाबेटिक में क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एडियाबेटिक? आइसोथर्मल में PV equal to constant, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बॉयल्स लॉ। एडियाबेटिक में क्या है? एडियाबेटिक PV। हिमांगी तुम तो बोल यार, प्लीज एक जन तो बोल, आईआईटी वालों PV। हाँ एडियाबेटिक PV। PV is very bad, PV raised to gamma equal to constant। एडियाबेटिक में गामा कहते हैं, गामा कब आएगा? जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो ही आएगा, आइसोथर्मल में गामा नहीं आता है। अब मुझे बताओ ये आइसोथर्मल है कि एडियाबेटिक है? 23rd में कौन सा है? अरे 23rd में आइसोथर्मल दिया है कि एडियाबेटिक दिया है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में गामा का काम ही नहीं है। व्हाट इज दैट ऑप्शन इन विच देयर इज नो गामा? बी। देयरफॉर बी इज द आंसर। बट ऑब्वियसली यू विल बोलोगे नहीं सर आप तो इसको सॉल्व करके बताओ। इन आइसोथर्मल पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देयरफॉर पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल टू जीरो, यू इनटू वी, यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू, देयरफॉर डीपी अपॉन पी इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन वी। खल्लास खल्लास, देयर यू आर, आंसर इज बाबा। बट आई थिंक बेस्ट वे इज गामा का काम ही नहीं है, आइसोथर्मल में गामा की जरूरत ही नहीं होती, एडियाबेटिक में गामा की जरूरत होती है। अच्छा टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन मैंने दिया है, नाइट्रोजन का 28, हाइड्रोजन का 2, हीलियम का 4, ऑक्सीजन का कितना है? 32, that's very good. And you know, number of moles is nothing but mass upon molar mass, yeah, molecular weight. You know this? ये भी हमने किया था in Kandy theory of gases. इसको ध्यान में रखे, let's do next one, and that is nothing but 30. नहीं, that is 24. Read करो Sheldon. Sheldon? In an isothermal reversible expansion, if the volume of 96 grams of oxygen at 27 degrees Celsius is increased from 70 liters to 140 liters, then the work done by the gas will be from 70 liters to 140 liters work done. मुझे खाली इतना बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन? केमिस्ट्री में भी क्या है, अभी भी क्या है आपने? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड व्हाट इज द वर्क डन इन एडियाबेटिक? एडियाबेटिक का मैंने बहुत डेरिवेशन किए थे, दो तीन फॉर्मूले बताए।